तो ये हमारा प्रोजेक्ट है लो कॉस्ट वेंटिलेटर। इसमें सबसे पहले यहाँ पर हमने पावर सोर्स के लिए 12 वोल्ट और 3 एम्पीयर की पावर सप्लाई यूज की हुई है। तो ये प्लस माइनस सप्लाई हमने सर्किट में दी हुई है। यहाँ पर हमने वोल्टी रेगुलेटर यूज किया हुआ है। 12 से 6 वोल्ट इनपुट होती है, 6-5 वोल्ट आउटपुट होती है। तो यहाँ पर जो हमारी मोस्टली चीजें हैं वो 5 वोल्ट पे चल रही है, मोटर हमारी 12 वोल्ट पे चल रही है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले सेंसर जो हमने लगाए हुए हैं, टेम्परेचर सेंसर है और पल्स ऑक्सीमीटर है और हार्ट रेट सेंसर है, उसके लिए हमने मिनी प्रो यूज किया हुआ है, डीनो मिनी प्रो। इसके साथ हमने स्टेपर मोटर को कंट्रोल करने के लिए डीनो नैनो यूज किया हुआ है। इसके बाद 20x4 की LCD यूज की हुई है। इसके बाद एक स्टेपर मोटर ड्राइवर यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने एक नीमा 23 जो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करने के लिए नीमा 23 स्टेपर मोटर यूज की हुई है। ये सेटिंग के लिए हमने पुश बटन लगाए हैं। अब हम यहाँ से इसको पावर इन करते हैं। तो जैसे हम इसको पावर इन करते हैं LCD पे 2000 मिलीसेकंड डिले के लिए वेलकम टू वेंटिलेटर आ जाता है। फर्स्ट लाइन में स्पीड और एंगल आ जाता है, सेकंड लाइन में ब्रीथ का टाइम आ जाता है, थर्ड लाइन में फॉरनहाइट में टेम्परेचर की वैल्यू डिस्प्ले की हुई है और फोर्थ लाइन में BPM की वैल्यू और पल्स ऑक्सीमीटर की वैल्यू डिस्प्ले की हुई है। तो यहाँ से हम BPM और पल्स ऑक्सीमीटर के लिए जो हमने सेंसर लगाया हुआ है इसके ऊपर हम फिंगर रखते हैं तो यहाँ पर ये वैल्यू देना शुरू हो जाता है। और ये टेम्परेचर सेंसर के लिए हमने LM35 यूज किया हुआ है। तो इसको जब अभी फिलहाल एनवायरमेंट का टेम्परेचर बता रहा था और जैसे ही हमने हाथ में रखा है तो ये बॉडी का टेम्परेचर बताना शुरू हो जाएगा। लाइट आनी भी चक्के गिरेगा। अभी LCD पे टेम्परेचर की वैल्यू, BPM की वैल्यू और पल्स ऑक्सीमीटर की वैल्यू अपडेट होगी हुई है। अगर हम यहाँ से वेंटिलेटर को स्टार्ट करते हैं तो जैसे हमने प्रेस किया है तो यहाँ पर स्टेपर मोटर के थ्रू ये ब्रीथ आउट और ब्रीथ इन होना शुरू होगी हुई है। इसका हम एंगल और टाइम चेंज कर सकते हैं यहाँ से सेटिंग में जाके। तो यहाँ से हम इसको स्वॉप करते हैं, यहाँ से हम सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद स्पीड फास्ट और स्लो कर सकते हैं। इसके बाद एंगल चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो ब्रीथ इन होने का एंगल है वो हम चेंज कर सकते हैं। इसको दोबारा हम सेट का बटन प्रेस करते हैं तो एंगल सेटिंग में चले जाते हैं। यहाँ से हम एंगल सेट कर लेते हैं, जो जितना भी एंगल हमने मूव करना है। तो एंगल सेट करने के बाद दोबारा प्रेस करते हैं तो यहाँ से हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का टाइम भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम बैक यानी कि सेटिंग करने के बाद जब हम बैक का बटन प्रेस करेंगे तो ये सेटिंग हमारी स्टोर हो जाएगी और इसके बाद ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमने एंगल चेंज कर दिया हुआ है तो ये ज्यादा प्रेस होना शुरू हो गया हुआ है।